So winters have finally reached my city and it's time for makeup and skincare switch. But before that, if you guys are stopping here for the first time, hello, this is Daljeet and on this channel we talk everything about makeup and skincare. So if that is your area of interest too, please do consider subscribing to my YouTube channel which is Blush by Daljeet. And now let's start the video. Alright, तो सबसे पहले बॉडी केयर से स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट उसके बारे में बात कर लेते हैं because I think I don't have much to talk about this category but let's see. Let's talk about moisturizers first. So मेरी स्किन ना स्टार्टिंग से काफी ज्यादा ऑयली रही है but I think with time and age now it's turning dry. तो मेरी जो स्किन है ना, I mean body minus the face skin is becoming too dry. और विंटर्स में अगर आपकी स्किन टू ड्राई होती है, फ्लेकी होती है, सो देयर इज अ वियर्ड काइंड ऑफ इच, डू यू नो व्हाट आई मीन, राइट. सो अगर वो है ना तो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है. बट देयर आर कपल ऑफ मॉइस्चराइजर्स, दोज आर वर्किंग रियली रियली ग्रेट फॉर मी. तो जब भी विंटर्स आती है ना, सबसे पहले मैं इधर वो वैसलीन या फिर ये वाले निविया के मॉइस्चराइजर पे स्विच करती हूँ. दीज बोथ मॉइस्चराइजर वर्क रियली रियली ग्रेट फॉर मी. ये दोनों ही मॉइस्चराइजर स्टिकी नहीं है, तो अगर आप कुछ वार्मर पहन रहे हो या स्वेटर पहन रहे हो तो जो वो एक स्टिकी सी फील होती है ना, वो भी नहीं होती, बट स्किन बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाती है इसके साथ. अनदर ग्रेट वन इज दिस वन बाय वेन्यूसिया. ये आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे, फार्मेसी शॉप पे मिल जाएगा. इवन जो एक्जिमा पेशेंट्स होते हैं ना, उनको भी ये मॉइस्चराइजर रिकमेंड किया जाता है. सो इफ यू हैव वेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन, दिस वन शुड बी योर पिक. इसमें ना फ्रेग्रेंस भी नहीं है बट मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज्यादा है. इवन ऑयली स्किन पे भी ये काम कर जाता है बट ड्राई स्किन के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है. दिस शुड बी योर फर्स्ट पिक. एंड इफ नन ऑफ दीज मॉइस्चराइजर्स आर वर्किंग फॉर यू, आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो. कोकोनट ऑयल हैज बीन वर्किंग एज अ ग्रेट मॉइस्चराइजर सिंस सेंचुरीज. मेरी कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है बट मैंने जिसको भी रिकमेंड किया है ना, दे हैव लव्ड इट. आप कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा वार्म करके भी यूज कर सकते हो या फिर फ्रिज में रख के जब वो थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, आप तब भी यूज कर सकते हो. बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है उससे. सो या लेट्स टॉक अबाउट दी बॉडी वॉशेस नाउ. तो समर्स टाइम में ना मैं ऐसी बॉडी वॉशेस या सोप्स यूज करना पसंद करती हूँ जिसमें एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं या थोड़े से ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं बिकॉज आई समटाइम गेट दिस बॉडी एक्ने. तो उस इशू को फिक्स करने के लिए या बॉडी स्टिकी ना लगे स्वेट की वजह से, उसको यूज करने के लिए दोज काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स लाइक कोजिक एसिड या AHA BHA बेस्ड बॉडी वॉशेस, दे वर्क ग्रेट. लेकिन विंटर टाइम्स में आई रादर स्विच टू मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग बॉडी वॉशेस. सो दिस इज द वन दैट आई एम करंटली यूजिंग एंड या दिस हैज बीन वर्किंग ग्रेट. आप कोई भी ऐसा बॉडी वॉश या सोप यूज कर सकते हो जो स्किन पे काफी ज्यादा ड्राइंग ना हो या आपकी स्किन को ज्यादा सेंसिटिव ना बना दे. बाकी एवरीथिंग इज गुड. Alright, so I said that I'm not using exfoliating body washes, but winter में भी आपकी body को exfoliation की जरूरत होती है. So this is the scrub by Dove या फिर body polish, whatever you want to call it, that I have been using currently. तो इसको ना, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं. जब आप उसको स्क्रब करते हो ना, आपकी डेड स्किन तो रिमूव हो जाती है बट बॉडी स्टिल मॉइस्चराइज रहती है. ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आपको उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत होगी, बट स्किन काफी लंबे टाइम तक ड्राई या सेंसिटिव नहीं होती. आपने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, प्लीज डू इट एंड सी द रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ. इट इज ग्रेट एंड वर्थ ट्राइंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट हेयर केयर नेक्स्ट. हेयर केयर मोर और लेस इज सेम फॉर मी. बस इतना है कि विंटर्स के टाइम पे थोड़ी सी हेयर मास्किंग कम हो जाती है, हेयर ऑयलिंग ज्यादा हो जाती है. समर्स के टाइम पे मेरी हेयर ऑयलिंग थोड़ी कम रहती है, हेयर मास्किंग ज्यादा रहती है, बट और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. वन थिंग इज दिस सेल्सन शैम्पू. इसके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है. अगर आपको किसी भी साल के किसी भी टाइम पे डेंड्रफ का कोई भी इशू है, दिस शुड बी योर पिक. दिस शैम्पू हैज वर्कड रियली रियली ग्रेट फॉर मी. अगर आपका स्कार्फ थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव है, देन ऑल्सो दिस वन इज अ गुड पिक. इसका ना एक ऑरेंज कलर का वेरिएंट भी आता है, दैट्स ऑल्सो देयर. दिस वन इज देयर. अभी करंटली मैंने ये 2.5 स्ट्रेंथ यूज किया क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा डनरफ का इशू ज्यादा हो जाता है. सो 2.5 स्ट्रेंथ इज व्हाट आई एम यूजिंग करंटली. Now let's talk about face care और skin care. सबसे पहले फेस वॉश की बात कर लेते हैं. सो क्लेंजर्स में या फेस वॉशेस में देर इज नो मच डिफरेंस. आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हो, यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दैट. मैं बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं समर टाइम्स में ऐसी फेस वॉशेस यूज कर रही थी जो थोड़ा सा ऑयल ना आने दें, विंटर्स में मैं थोड़ी सी क्रीमी फेस वॉशेस या क्लेंजर्स यूज करना प्रेफर करती हूँ. बाकी वट एवर यू आर यूजिंग दैट इज गुड. लेट्स टॉक अबाउट मॉइस्चराइजर्स नेक्स्ट. तो समर्स में एटलीस्ट इन डे टाइम आई डू नॉट यूज अ सेपरेट मॉइस्चराइजर. मैं एक अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन यूज कर लेती हूँ, उसी से ही काम चल जाता है बिकॉज आई हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन. तो मुझे अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट इन विंटर्स आई डू नीड मॉइस्चराइजिंग नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स. तो उसके लिए ना अभी करंटली मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, या दिस वन, दिस इज बाय बेला. दिस इज रियली अ गुड बैरियर रिपेयर करने के लिए या स्ट्रेंथन करने के लिए जो मॉइस्चराइजर यूज होते हैं, दिस इज द वन एंड आई हैव बीन लविंग इट. बट अगर आपकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है तो ही ये काम करेगा. इसका टेक्सचर कुछ ऐसा दिखता है, लेट मी शो यू. या बट अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है ना, दिस वन विल नॉट बी इनफ फॉर यू. स्पेशली अगर मैं इसको रात में लगाती हूँ ना तो पूरी रात के लिए तो ये इनफ नहीं होता. सो फॉर दैट आई वुड से गो विद ईदर दिस वन, दिस इज मैक्स रिच यू, दिस इज माई होली ग्रेल मॉइस्चराइजर. इसको मैं हमेशा हमेशा समर्स हो विंटर्स हो थ्रू आउट द ईयर मैं इसको ज़रूर अपने पास रखती हूँ. एंड द नेक्स्ट वन आई वुड से इज दिस वन बाय दी सेरावे या इवन बायोडर्मा के भी जो मॉइस्चराइजर्स हैं दोज आर ग्रेट, वो आप यूज कर सकते हो स्पेशली इफ यू हैव ड्राई स्किन. सो या दीज आर दी मॉइस्चराइजर दैट आई हैव बीन यूजिंग करंटली. एंड टॉकिंग अबाउट दी सनस्क्रीन्स नेक्स्ट, तो आई वुडंट से दैट देयर इज एनी चेंज इन दी सनस्क्रीन्स. जो भी मैं समर्स में यूज कर रही थी मैं विंटर्स में भी वही यूज कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो कीप ऑन डूइंग दैट. अगर मॉइस्चराइजेशन की एक एडिशनल लेयर चाहिए भी है तो उसके लिए आप एक अलग से मॉइस्चराइजर लगा लो, सनस्क्रीन चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपके पास कोई ऐसा मॉइस्चराइजर था जो समर्स टाइम में आपको स्टिकी लग रहा था या फिर यू नो थोड़ा सा ग्रीजी लग रहा था, वो विंटर्स में बहुत अच्छे से काम कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस वन ब्यूटी ऑफ जसान, तो ये मैंने समर्स में ही यूज़ करना स्टार्ट किया था. तो देयर वर सम डेज जब मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली थी या ग्रीजी हो रही थी या वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड था, तब ये काम नहीं कर रही थी. बट अभी मैंने इसको पूरा एम्प्टी कर दिया है बिकॉज इन दिस वेदर आई एम एबल टू यूज इट एंड दिस वन इज वर्किंग रियली नाइसली. स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, दिस वन इज अ ग्रेट सनस्क्रीन टू ट्राई. आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. तो नाइट टाइम में ना मैंने एक ही एडिशनल स्टेप ऐड किया है एंड दैट इज टू यूज फेशियल ऑयल्स. हर विंटर ना एक फेशियल ऑयल में ज़रूर इन्वेस्ट कर लेती हूँ. स्किन काफ़ी अच्छे से ग्लो करती है, मॉइस्चराइज रहती है काफ़ी अच्छे टाइम तक, और फेशियल मसाजेस भी इंजॉय कर सकते हो आप. सो दिस इज द वन दैट आई एम करेंटली यूजिंग, दिस इज बाय अमृतम, इट्स देयर कुमकुमादी ऑयल. इसको एक्चुअली मैं समर्स में भी यूज़ कर रही थी, बट समर्स में मैं मे बी यू नो एवरी 15 days या वंस इन अ मंथ यूज़ कर रही थी. बट विंटर्स में आई एम यूजिंग इट एवरी ऑल्टरनेट डे एंड दिस हैज़ बीन वर्किंग रियली ग्रेट. इसकी ना 2 या 3 ड्रॉप्स लेके ही मसाज कर लो तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है. बट अगर आपकी स्किन पे एक्ने हैं या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, दिस ऑयल कुड बी रियली पोटेंट फॉर यू. आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा. बट अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, बट यू नो एक्ने या ब्रेकआउट्स नहीं हो रहा, तो आप इसको यूज कर सकते हो. I've talked about this oil in this video. You can go and check it out later. But yeah, this has been working really great and this video is not sponsored in any way. This is my experience that I'm sharing with you. हाँ, बट अभी भी कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली हो रही है, तो फिर मैं इस ऑयल को ना थोड़ा सा लंबा ब्रेक दे देती हूँ. बट when there are days when my skin is feeling dry and flaky, I love using this one. Another thing that I do in winters is to use less exfoliating products, and by exfoliating products I mean specially BHA. मुझे समर्स में BHA यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बिकॉज आई हैव एक्ने प्रोन स्किन. तो समर्स में जो स्वेट होता है या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से मुझे एक्ने हो जाते हैं. बट इन विंटर्स टच वुड माई स्किन वर्क्स प्रिटी वेल, तो मुझे इतना ज़्यादा BHA की ज़रूरत नहीं पड़ती है. एंड एनी हाउ मैं रेटिनॉल और पेप्टाइड्स थ्रू आउट ईयर यूज़ करती हूँ, तो मेरी स्किन डिसेंट ड्राइनेस, मेरी स्किन में डिसेंट ड्राइनेस ऑलरेडी रहता है. AHA BHA डाल के मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ. ऑलरेडी ड्राइनेस हो रही है, स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. बट इफ़ यू वॉन्ट टू डू केमिकल पील्स या एनी प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स, विंटर्स इज एक्चुअली परफेक्ट टाइम फॉर दैट. तो अगर आप केमिकल पील्स कराने का सोच रहे थे या PRP कराने का सोच रहे थे बिकॉज सनरेज आर नॉट हार्श इन विंटर्स, एक्चुअली दिस इज परफेक्ट मंथ टू डू दैट. By the way, when I said that I'm using less exfoliating products, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना फेस एक्सफोलिएट नहीं कर रही हूँ. इट्स जस्ट दैट जो भी एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स मैं डेली बेसिस पे यूज कर रही थी ना, उसका यूज मैंने कम कर दिया. आई एम स्टिल यूजिंग दिस वन, दिस इज फार्मेसी हनीमून ग्लो. दिस हैज AHA एंड BHA इन इट. तो वीकली वंस मैं इसको यूज कर रही हूँ. मेरी स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है. तो आप भी जो भी अपना AHA BHA बेस्ड केमिकल एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हो या फिजिकल एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हो, यू कैन स्टिल कीप ऑन यूजिंग दैट. जस्ट टेक केयर कि ज्यादा ड्राई ना हो जाए स्किन। अगर स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उसको फिक्स करना भी उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट इन द स्किन केयर इज लिप केयर। वी कैन नॉट मिस टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? तो लिप केयर के प्रोडक्ट्स में या लिप बाम में जो भी समर टाइम्स में यूज कर रही थी वही मैं अभी भी यूज कर रही हूँ। बट इफ दैट इज नॉट वर्किंग फॉर यू गाइज, वैसलीन इज स्टिल अ सुपर हीरो। मुझे खुद अभी जाके वैसलीन खरीदनी है बिकॉज आई एम सीइंग दैट माई लिप्स आर लिटिल बिट ड्राई। तो मुझे वैसलीन की जरूरत पड़ेगी अभी आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन वैसलीन। Another trick that works, अगर आपके लिए वैसलीन भी काम नहीं कर रही है, is that belly button oiling. तो आप क्या कर सकते हो कि एक या दो ड्रॉप्स, मे बी यू कैन टेक त्रिफला घृत या फिर आलमंड ऑयल और मे बी जर्नल जो घी रहता है आप वो यूज कर सकते हो। टेक 1 or 2 ड्रॉप्स, वार्म हो तो बेटर है, रात को सोते टाइम आप उसको बेली बटन में लगा सकते हो। दिस विल हेल्प इन नरिशिंग योर लिप्स, इन योर फेस एंड आईज को भी नरिशमेंट मिलता है। हम लोग स्पेशली अपने घर पे त्रिफला घृत यूज करते हैं बिकॉज दैट इज गुड फॉर द आईज एज वेल। बट आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, कैस्टर ऑयल ऑल्सो यू कैन यूज इट, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी मतलब जो देसी घी रहता है, यू कैन यूज दैट और इवन त्रिफला घृत। सो या ट्राई दैट। लेट्स मूव ऑन टू मेकअप नेक्स्ट। अब मेकअप में भी आई डोंट थिंक देयर इज एनी मेजर चेंज इन द मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग, बट रादर मेकअप एप्लीकेशन में चेंज है। सो द वे आई एम यूजिंग मेकअप और आई एम अप्लाइंग मेकअप ऑन माई स्किन, उसमें चेंज है एंड आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। तो समर टाइम में कोई भी स्किन टिंट लगाने से पहले मैं एक एडिशनल मॉइस्चराइजर की लेयर लगाना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझती थी बिकॉज एनी हाउ स्किन टिंट्स में मॉइस्चराइजिंग होती है। तो अगर मैं प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ वो भी मॉइस्चराइजिंग है, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन भी ना समर टाइम्स में ना हैवी हो जाती थी। तो विंटर्स टाइम में लेकिन आई जस्ट मेक श्योर कि मैंने एक अच्छी सी हैवी मॉइस्चराइजर की 1 या 2 लेयर्स लगा के रखी हुई हैं। उसके ऊपर आई एम यूजिंग अ वेरी मॉइस्चराइजिंग प्राइमर एज वेल। फिर मैं लिक्विड हाइलाइटर भी यूज करती हूँ क्योंकि समर्स में ना स्किन ड्राई हो जाती है तो ग्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो लिक्विड हाइलाइटर इज द वे टू फिक्स इट। वो मैं जरूर लगाती हूँ। एंड देन आई गो अहेड विद द फाउंडेशंस एक्चुअली इन विंटर टाइम्स। नाउ एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड लविंग स्किन टिंट्स मोर, बट पिछले साल से भी मेरे पास कुछ फाउंडेशंस पड़ी हुई हैं दैट आई वांट टू यूज अप एंटायरली एंड आई थिंक विंटर्स इज द परफेक्ट टाइम टू यूज फाउंडेशंस। समर टाइम्स के लिए फाउंडेशंस थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं। एक्चुअली मेरे पास जितनी फाउंडेशंस हैं वो भी फुल कवरेज हैवी नहीं है, बट स्टिल मेरे पास है एंड विंटर टाइम इज द परफेक्ट टाइम टू यूज देम, टू फिनिश देम। स्वेटिंग का भी इशू नहीं रहता है, फुल कवरेज मेकअप आप एक्चुअली इंजॉय कर सकते हो विंटर्स टाइम में। सो या दैट इज द चेंज। विद दैट हाईलाइटर, मैं समर टाइम्स में हाईलाइटर थोड़ा सा हाथ रोक के यूज करती थी, बट विंटर्स में आई यूज हाईलाइटर्स फुल ऑन। लिक्विड हाइलाइटर्स, पाउडर हाइलाइटर्स, क्रीम हाइलाइटर्स मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि उससे टेक्सचर जो है ना वो हाईलाइट हो जाता है। बट पाउडर हाइलाइटर्स, क्रीम हाइलाइटर्स, फाउंडेशन से पहले हाइलाइटर लगाना, फिर फाउंडेशन के बाद हाइलाइटर लगाना एंड टॉपिंग अप विद दी पाउडर हाइलाइटर। दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग एंड लविंग एज वेल। अब उसकी वजह से ना एक स्किन में बहुत अच्छा सा ग्लो रहता है। सो इवन इफ योर स्किन इज ड्राई, वेदर ग्लूमी है, बट योर स्किन विल बी ग्लोइंग। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट पाउडर्स। सो समर टाइम्स में जब मैं स्किन टिंट लगाती हूँ ना तो उसके ऊपर मैं बहुत सारा पाउडर भी लगा लेती हूँ बिकॉज आई हैव ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन। तो स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग होती है तो मेकअप ऑब्वियसली मूव होता है। बट इन विंटर्स मुझे स्वेटिंग का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। आई नो देर आर फ्यू पीपल्स जिनको विंटर में भी स्वेटिंग हो जाती है, बट मुझे स्वेटिंग का इशू नहीं रहता। तो मैं पाउडर का यूज सिर्फ अंडर आई सेट करने के लिए करती हूँ। पूरा फेस मैं पाउडर से सेट नहीं करती हूँ विंटर्स में, क्योंकि पूरा फेस फिर अगर आप सेट करोगे ना तो वो केकी हो सकता है, ड्राई हो सकता है। सो या दिस इज द यूसेज ऑफ पाउडर दैट आई हैव चेंज्ड इन विंटर्स। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स। सो लिपस्टिक्स के लिए ना समर में यूजली मैं मैट लिपस्टिक्स यूज करती थी और फिर विंटर्स में मैं ग्लॉसी लिप्स पर स्विच कर लेती थी। बट नाउ 2024 हैज बीन ईयर ऑफ ग्लॉसी लिप्स, तो वो स्विच तो बनता नहीं है। सो हम जो चेंज कर रहे हैं इन विंटर दैट इज इन टर्म्स ऑफ लिप शेड्स। समर्स में थ्रू आउट द समर्स आई हैव यूज्ड MLBB, यू नो दैट माय लिप्स बट बेटर सॉर्ट ऑफ शेड्स, या न्यूड ब्राउन्स, न्यूड पिंक्स। बट इन फॉल और विंटर्स आई हैव बीन लविंग यूजिंग pinks, you know, that dirty pinks और mauve pinks या फिर bright mauves, maroons, red तो खैर मैं इतना ज़्यादा यूज करती नहीं, but you know something like this that I'm wearing today, this is what I am enjoying this winter. All right. Alright, so with this I have finished talking about my summer skincare to winter skincare transition. In the comment section down below, you let me know what are the new products you have started using this winter. And if you have liked this video, please do give it a big thumbs up. Please do share this video with your family and friends. And do consider subscribing to my YouTube channel which is Blush by Daljeet. Guys, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और एंड तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज 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 डू हिट ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा टू क्रिएट मोर सच वीडियोज. एंड या आई एम गोना मीट यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.